भागलपुर में राजद के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आज फिर से प्रदर्शन किया। युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकाली गई, बैलगाड़ी के साथ भी विरोध किया गया। सिंगल पेट्रोल और डीजल की महंगाई के विरोध में राजद पार्टी के नेतृत्वकर्ता लालू यादव जी एवं तेजस्वी यादव जी के द्वारा आह्वान किया गया है कि पूरे बिहार में पंचायत हो, प्रखंड हो या जिला स्तर पर हो, 5 किलोमीटर आज 5 जुलाई स्थापना दिवस के अवसर पर 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाना है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगी हो गई तो गाड़ी तो लोग चला नहीं सकते हैं, तो ये साइकिल चला करके हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार जो घमंड में सोई हुई है, नींद में सोई हुई है, इसे हम जगाएं, अन्यथा जनता आती है कि गद्दी खाली करो। तो उधर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व प्रत्याशी राबिया खातून ने भी कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल यात्रा निकाली। प्रदेश सचिव सह पूर्व प्रत्याशी राबिया खातून ठेला चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। का ये कार्यक्रम था, ये किस मुद्दे पे लेकर के था? ये आज 5 जुलाई हम लोगों का कार्यक्रम साइकिल जुलूस निकालने का, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के आह्वान पे, प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को आज 5 जुलाई को हम लोगों को साइकिल जुलूस 5 किलोमीटर तक निकालना था। हम लोगों ने 5 किलोमीटर तक साइकिल जुलूस निकाल कर खुद मैं अपने से ठेला को ड्राइव करते हुए और तमाम अपने नौजवान और तमाम जो है अपने किसान मजदूर वर्ग के साथ जुलूस को लेकर 5 किलोमीटर तक घूम कर मैं आई हूँ, और लोगों में जो उत्साह है तेजस्वी यादव जी को लेकर कि ये बिहार की तकदीर और तस्वीर अगर कोई बदल सकता है तो वो मैं कालाल शेर हिंदुस्तान का बेटा तेजस्वी यादव जी। इसलिए आज जनता ने ये मन बना लिया है तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार, हम लोग 2020 में तेजस्वी जी को अपने बिहार के सिंहासन पर बैठा कर ही दम लेंगे। ले